और जिस हिसाब से बारिश हो रही है तो सच में यहाँ पे चाय पकौड़े बनाता भाई। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाकी आपको आपकी कभी भी ना बारिश के टाइम पे नींद खुलती है तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर चेक करना।
भाई फाइनली टेंट के अंदर मैं आ चुका हूँ। बाइक मैंने लगा दी है भाई, खतरनाक रास्ता था, बाइक में चढ़ा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास वेट भी बहुत ज़्यादा था, तो फिर भी मैंने वेट पहले उतारा और बाइक को चढ़ा दिया। भाई मुझे तो लगा था आज बाइक चढ़ेगी नहीं, बाइक वहीं पर छोड़ के जाना पड़ता मुझे। खैर बाइक अपने साथ आ गई है और जस्ट बगल में लगी है। मतलब यार प्यार है यार बाइक से इतना कि छोड़ नहीं सकता उसे अकेला। तो अब पहले जो भीग चुका हूँ ना भाई, ये आउटर पैंट तो मेरी वाटरप्रूफ है, जो ये पैंट है ये रैकी की है और ये वाटरप्रूफ है और अंदर पानी नहीं आया तो यहाँ से मैं सेफ हूँ, लेकिन ऊपर से मैं भीग चुका हूँ। ये तो भीग चुकी है भाई पूरी। रेन साउंड का ना मजा ही अलग आता है भाई। मेन चीज है मेरा सर भीग चुका है और सर को सुखाना बहुत जरूरी है। ये भी बिक चुका है, इसको निचोड़ लेता हूँ भाई। अपनी शर्ट यहाँ पे टाक दी है मैंने, ये सूखती रहेगी आराम से, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। हाँ थोड़ा सा बालों की हालत मेरी ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। अब अपना टेबल वगैरह निकालते हैं और सबसे पहले अपने लिए प्यारी सी कॉफ़ी बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है बारिश से भीग चुका हूँ तो बॉडी को हीट चाहिए, तो उसके लिए कॉफ़ी बेस्ट रहेगी यहाँ पे। कैमरा भी अपना भीग चुका है भाई, तो अभी मैं GoPro से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो बनाते हैं पहले अपने लिए बढ़िया सी कॉफ़ी। ठीक है बारिश और ज़्यादा तेज़ होने लगी है यहाँ पे। बाहर का नज़ारे ज़बरदस्त है,
और मैं जितना दिखा पाया आपको भाई वो बहुत ज़्यादा कम है भाई। सच में यार नेचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। चूल्हा अपना रेडी हो गया है, अब इसको करते हैं ऑन। आज टाइम है अपने पास तो इसको मैं बनाता हूँ फेट के। तो भाई दूध इसमें अपना गर्म हो रहा है, मतलब बॉईल हो रहा है। चीनी इसमें डाल दी है, इसमें डालते हैं कॉफ़ी। इतनी बहुत है, इससे बंद हो जाएगा आपकी कॉफ़ी। तो ये लॉक सिस्टम है, इससे क्या होगा ना अपनी कॉफ़ी होगी लॉक, अब गिरेगी नहीं। देखो तो इसकी थिकनेस अभी और करना है मुझे। कॉफ़ी अपनी रेडी है भाई, बाकी शर्ट भी अपनी सूख गई है, उतनी नहीं सूखी, अभी भी गीली है, लेकिन कपड़ा नायलॉन वाला है और मैंने निचोड़ दिया था ये। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा है क्योंकि टेंट पूरा बंद है, तो हल्की फुल्की ठीक हो गई है, मतलब पहनने लायक हो गई है, लेकिन मैं इसे अभी नहीं पहनूंगा, थोड़ी देर बाद पहनूंगा। मज़ा आ गया भाई कॉफ़ी में। वैसे आज मुझे चाय पकौड़े बनाने चाहिए थे, क्योंकि जिस हिसाब से कैंपिंग हो रही है ना और जिस हिसाब से बारिश हो रही है, तो सच में यहाँ पे चाय पकौड़े बनाता, लेकिन यार होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें मेरे पास थी नहीं और मैं सडनली आया यहाँ पे। बाकी आज रात के लिए मेरे पास वेज ही खा है, जो भी है मैं वेज से ही बनाऊंगा, बाकी पनीर वगैरह तो कुछ लाया नहीं है, देखते हैं अपने पास क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा मैं अपने साथ लाता हूँ पनीर और मशरूम वेज में, तो लेकिन आज कुछ वेज अलग बनाएंगे, मतलब जैसे प्याज वगैरह से बनाएंगे कुछ, और राइस बनाएंगे भाई। अब आया ना मज़ा। हाँ तो भाई अपने 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो यार जल्दी से करो, और 1.5 लाख सब्सक्राइबर में लाइव आया जाएगा, या तो लाइव कैंपिंग की जाएगी तब आपसे बात होगी, या तो लाइव आया जाएगा। मतलब अपने पास 3 या 4 हज़ार सब्सक्राइबर अपने बचे हुए हैं, और आई होप आप जल्दी करवाओ, और ऐसे यार अपना प्यार और सपोर्ट बनाओ। काफ़ी अच्छा लगता है यार आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, मैं चाहता हूँ कि सबके रिप्लाई दूँ, लेकिन भाई काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम कैंपिंग में होते हैं और वही वीडियोस के साथ साथ दूसरी वीडियो भी चल जाती है जिसमें ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं, तो भाई यार मैं इतना रिप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन और आपको पता है टीम में कोई है नहीं, तो इसलिए मुझे अकेले ही सारा मैनेज करना पड़ता है, तो अपने पास और कोई तो ऑप्शन है नहीं, तो मुझे खुद ही करना पड़ता है रिप्लाई, तो टाइम लग जाता है, तो सॉरी उसके लिए थोड़ा सा लेट हूँ आपको रिप्लाई देने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई मिले।
लो भाई, शर्ट पहन लिया मैंने, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी बारिश तो बंद होने वाली नहीं है। और दूसरा, जो लोग भाई अभी उत्तराखंड आ रहे हैं ना कैंपिंग के लिए या ट्रैवलिंग के लिए, भाई अवॉइड करो, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं। रास्ते कब लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे, और हैवी रेन से सड़कें ख़राब हो गई हैं। सड़कें छोड़ो, यहाँ पे जिस होम स्टे में अगर आप रुकोगे भी ना भाई, उस होम स्टे का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे केस हो चुके हैं जहाँ पे बहुत सारे जो अपने ट्रैवलर होते हैं ना, वो फंस चुके हैं और काफ़ी लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो भाई आप लोगों को जागरूक रहना है, और ऐसे टाइम पे आपको उत्तराखंड नहीं आना है भाई, ठीक है। और शिमला भी मत जाओ, कोई भी पहाड़ी एरिया है जैसे असम है या अपना उत्तराखंड है, हिमाचल है, नेपाल भी अवॉइड करो। बाकी कुछ टाइम रुको और सितंबर से अपनी यात्रा शुरू करो भाई, तो अवॉइड करो भाई अभी मैं, और समझने वाले समझ रहे होंगे मेरी बात को। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, इस मग मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो मेरा नाम है इस पे ट्रिप सेंस, यार काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मग मैंने जिस वेबसाइट से मंगाया था, आप भी इस वेबसाइट से मंगा सकते हो, बाकी वो आपको इसमें नाम लिख के देंगे आपका ही, आप इसमें अपना नाम भी लिख सकते हो, आपको जो नाम लिखना है। नीचे आप वेबसाइट देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हो। भाई अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश है यहाँ पे, और मैं आराम कर रहा था। अब मुझे लग रहा है कि रात भर ऐसे ही अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि टार्प तो मैं लाया नहीं हूँ, और ऐसे ही अब अपनी पूरी रात बीतेगी। तो खाना बनाते हैं अब, और अंधेरा भी हो गया है यहाँ पे। मैं आराम कर रहा था लगभग 2 घंटे से। भाई बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और मैं बाहर से शूट भी नहीं कर सकता हूँ। ओके, बाकी अब मेरे पास जो मैं कह रहा था ना, मेरे पास ये वेजिस है, और मेरे पास यहाँ पे चीज़ भी है जो स्लाइस वाला चीज़ होता है, और साथ में राइस है। तो पहले राइस बना लेते हैं। राइस बनाने के लिए अपने पास पतीला है, ये वाला, इसमें बनाते हैं। बड़ा पतीला हो गया बट कोई नहीं, इसमें चावल पहले वॉश कर लेते हैं। तो भाई चावल अपने वॉश हो गए यहाँ पे, और इसमें पानी डाल के इसको चढ़ा लेते हैं।
बाकी अपनी जो वेजिस है उसको काट लेते हैं अब। पहले मुझे डर लग रहा था कि कहीं आज पानी ना लीक होने लग जाए इस टेंट से, क्योंकि ये डेकैथलॉन का सबसे लोएस्ट बजट का टेंट है और ये 3% टेंट है, मेरे लिए तो काफ़ी स्पेस है इसमें। बाकी जैसा आप ये रेन ड्रॉप देख रहे हो ना, देखो ये अंदर तक आ रहे हैं, जो मेरे लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ ये है कि जैसे हल्की फुल्की बारिश होती है ना उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ना वहाँ के लिए परफेक्ट नहीं है भाई। वहाँ पे तो आप इससे अपग्रेड ही जाओ, या तो कूलमैन में जाओ, या आप जा सकते हो इसी के ही 4 क्लास में, केचवा का ही एक वो है 4 क्लास, उसमें जा सकते हो आप, इसका अपग्रेड वर्जन है। जब तक अपनी यहाँ पे वेजिस कटेंगे ना तब तक अपना यहाँ पे राइस कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी आप इनको चॉप कर लेते हैं भाई। यहाँ पे अपने वेजिस अच्छे से कट चुकी हैं और बाकी इसमें चावल में अब थोड़ा सा हल्दी डालते हैं जिससे इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। बाकी यार पानी तो आ ही रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो पानी तो है ही और इस साइड पे भी है ही, लेकिन ये है कि हाँ अगर मैं टच करूँगा ना तभी मेरी उंगलियों पर लग रहा है, बाकी ये सीधा ऐसे ही नीचे तक जाएगा, क्योंकि ये जो आप देख सकते हो ना ये चैन है ना जो यहाँ से रिस रहा है अंदर, और ये तो खैर गर्मी की वजह से हो रहा है, भाप की वजह से, जो मेरा यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर है उसकी वजह से यहाँ पे ये भाप हो रही है। तो यहाँ पे मैं कुकिंग भी कर रहा हूँ इस वजह से भी यहाँ पे भाप आ रही है, तभी जाके जो ये पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं अभी अंदर आ रही है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है, और पता है ऐसी जब बारिश होती है ना तो आपको डर नहीं होती किसी भी चीज़ की, क्योंकि ना आपको बाहर की आवाज़ें आएंगी, ना आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई होश होगा, और ना ही लेपर्ड वगैरह का खतरा होता है। तो ऐसी जगहों पे ना जब रेन ड्रॉप्स गिरती है आपके टेंट पे तो बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब एक एहसास होता है, फीलिंग होती है, और वही फीलिंग मैं ले रहा हूँ अभी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी ये देखो मैंने अभी इसमें हल्दी डाली थी तो कलर देखा आपने, बाकी अब ये बन ही चुका है वैसे लगभग लगभग, थोड़ा वेट करते हैं इसके बाद अपनी वेजेस बनाते हैं और उसमें हम आज डालने वाले हैं चीज़। तो भाई अपना यहाँ पे राइस रेडी हो गया है, अब राइस को यहीं पे रखते हैं, बाकी अब अपनी वेजेस बनाते हैं बढ़िया वाली। इसमें अभी बिना ऑयल के मैंने इसमें सारे वेजेस डाल दिए,
अब इसमें मिलाने हैं मसाले। और भाई ये रॉ है, इसमें मैंने तेल ऐड ही नहीं किया है। सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे, कैप भी लगानी है हमें ताकि जो भाप है उससे ये अच्छे से पक जाए। देखो आप भाई, नमक डालते ही ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, अपने वेजीज जितने भी है सारे सॉफ्ट हो गए देखो। और नमक तो हमने इसमें ऐड कर दिया है, बाकी इसमें लाल मिर्च वगैरह ऐड करते हैं। भाई ये आ गई अपनी लाल मिर्च, और इसमें ये किचन किंग है, मैं बाकी मसाले ऐड नहीं करता। लाल मिर्च और किचन किंग से ना आप सारी चीज़ बना सकते हो, इवन आप चिकन भी बना सकते हो या कोई भी करी या कोई भी रेसिपी बना सकते हो। आपको नमक, लाल मिर्च और हल्दी की ज़रूरत भी नहीं है भाई। किचन किंग मसाला, उसमें किचन किंग मसाला उसमें सब कुछ होता है। अब देखो इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। ज़्यादा मसाले वैसे भी अच्छे नहीं होते सेहत के लिए। अब इसको ढक लेते हैं। बाकी इसमें पानी वगैरह हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। हाँ इसमें अपना चीज़ पड़ेगा, वैसे चीज़ भी अनहेल्दी होता है लेकिन मेरा मन है इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ। अब इसमें हम डालते हैं चीज़। भाई आधे लोग सोचेंगे कि ये पिज़्ज़ा बन रहा है, पिज़्ज़ा नहीं बन रहा भाई। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, इसको किया मैंने बंद, हल्के फ्लेम में है अपनी गैस, सॉरी भाई पता नहीं कब बंद होगी। ओए होए 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 मेल्ट होने लगी भाई। इसको हम पूरा मिक्स करेंगे, इसमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ है ना वो चिपक जाती है, तो इसलिए हमें इसे चलाते रहना पड़ेगा। ये भी फाइनली रेडी हो गए हैं, अब करते हैं इसे बंद। तो अब करते हैं प्लेटिंग इसमें। तो ये आ गए अपने राइस। देखो यार ज़्यादा बन गए, फिर भी मैंने कितने कम इसमें राइस डाले थे, फिर भी बहुत ज़्यादा राइस बन गए हैं। राइस अपने आ गए हैं इसमें, बाकी ये देखो ये अपनी वेजीज क्या मस्त लग रही ना, इसको इसमें डालते हैं। देखो क्या मस्त अपनी प्लेट लग रही है, टेस्ट करते इसको भाई आप। भाई चीज़ बहुत मस्त लग रहा है, जबरदस्त।
मजा आ गया। सोलो में ना इससे अच्छा खाना नहीं हो सकता भाई, एकदम परफेक्ट हो रहा है। अपने टेंट का मुआयना भी किया है मैंने, क्योंकि पता चल रहा है कि कहीं से जो कील होती है ना, जो टेंट के चारों तरफ से लगती है, जिसमें इसका आउटर लगता है, क्योंकि ये तो इनर है, इसका बाहर जो आउटर है उस पर मैंने कीलें लगाई हैं जिससे पानी सीधा बाहर जा रहा है। और क्या बता, वो गलती से कभी क्या होता है कि ज़्यादा बारिश होती है तो वो निकल जाते हैं अगर अच्छे से पिच ना हुए हो तो अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ऑल क्लियर। बाकी आपको, आपकी कभी भी ना बारिश के टाइम पे नींद खुलती है तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर चेक करना। चीज़ देख रहे हो, मज़ा ही आ गया भाई। तो भाई ये एक बाइट मेरे ऑल सब्सक्राइबर को, तो आप लोग भी यार, आप लोगों का भी खाने का मन करता है तो ये लो। तो चलो कोई नहीं, मैं ही खा लेता हूँ। ये बारिश भाई रात भर रुकने वाली नहीं है। तो भाई पेट पूजा अपनी हो गई है, यहाँ पे खाना वगैरह हो गया है। पिलो तो मैंने पहले फूल लिया था, बाकी आप घुसते अपने स्लीपिंग बैग में। वैसे अभी इसके अंदर तो मन नहीं कर रहा जाने का, और रात को ज़रूरत पड़ेगी तो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे, तो इसीलिए इसको भी साथ के साथ बिछा लेते हैं ऐसे अपने साथ, है ना। ओहो, तो आपसे मिलते हैं कल सुबह। तो सभी को गुड नाइट, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के 5 बज चुके हैं यहाँ पे और उजाला भी हो गया है। और जैसी बारिश कल रात थी ना, तो भाई अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ पे बारिश रुक चुकी है, बाकी फॉग आ गया है यहाँ पे,
उस साइड को, सामने के साइड को, क्योंकि सामने की पहाड़ियाँ पूरी फॉग से ज़बरदस्त दिख रही हैं। कल रात की भाई जो नींद थी ना भाई, बहुत मस्त थी। मुझे नहीं पता कब नींद आई मुझे, और बारिश रात को उसी टाइम तेज़ हो गई थी जब मैं सोने वाला था, क्योंकि मैं उसके बाद एक बार आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, लेकिन मैंने टेंट के अंदर रहना ही सही समझा। तो सुबह हो गई है तो मॉर्निंग कॉफ़ी बनाते हैं यार, उठते हैं आप। बाकी सच मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन निकलना तो पड़ेगा ना भाई, और अभी बारिश रुकी हुई है तो अभी मुझे जाना पड़ेगा घर को। पता नहीं फिर बारिश रुके या ना रुके, अगर आएगी तो। बारिश के होने से ना रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया होगा, तो मुझे ध्यान से रास्ता पार करना है भाई। जैसे मैं आया था ना, अब मुझे ध्यान से नीचे की तरफ जाना है, और बाइक से आपको पता है रिस्क है, तो मुझे ध्यान देते हुए जाना पड़ेगा। बाकी यार चिड़ियों की चहचहाट और एकदम बढ़िया मौसम भाई, मज़ा ही आ गया ना। पानी भी अपने पास कम है तो बनाते हैं यार अपने लिए कुछ बढ़िया। कॉफ़ी बनाने के अलावा और कुछ अभी बना नहीं सकते हैं, तो फटाफट से कॉफ़ी बनाते हैं।
गाइस फाइनली अपनी यहाँ पे कैंपिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अपना बैग वगैरह सब पैक कर लिया है। टेंट बहुत ज़्यादा गीला है इसलिए मैंने इसको बैग के ऊपर साइड रखा है। बाकी ये रही अपनी बाइक, इसको करते हैं स्टार्ट। और बाकी आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और फिर मिलते हैं आपको इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड डे।